क्या हुआ क्या मारते हैं भाई वो ज्यादा हाथ चल रहे तेरे क्या हो गया तू छो गाइस मैं हूं बिलाल मैं हूं जाहिद मैं हूं रुबीना और आप देख रहे हो आलतू फालतू So guys, आप सभी का स्वागत है और न्यू एक्साइटिंग प्रैंक में तो गाइज ये प्रैंक होने जा रहा है अब्रेश भाई और जीशान भाई के ऊपर बड़े वक्त के बाद और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि रुइना भी है साथ में हाँ और आप लोग मेरे फेस पे देख रहे हो रुइना को मैं मारता हूँ जाहिद देख रहे जाहिद मारता है रुइना को हाँ तो गाइज ये प्रैंक होने जा रहा है जो भाई लोग के ऊपर है कि रुइना को इनसिक्योरिटीज है जाहिद को लेकर हाँ और जाहिद इसको मतलब डिसरिस्पेक्ट करता है हाँ और मारता है तो ये सब बताओ अभी रुइना सच्चाई है कि नहीं नहीं इतना टाइम क्यों लगा नहीं नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है तो अभी देखते हैं ओवर कुछ नहीं होएगा इसमें मैं बोलूंगा ना ओवर मेरे को तो नहीं लगता चलो देखते हैं अभी भाई लोग के ऊपर जो भी रिएक्शन आता है मजा आएगी तू बेटा तैयार हो जा फटने वाला है तू फटने वाला है तो ये सोचा ही नहीं उन लोग को बस मौका चाहिए अभी तो कितना होएंगे ऐसा छिटकाएंगे ऐसा मारेंगे है ना लोग कमेंट में जोर जोर से मारते क्या आवाज आई पट मैं जरा यहां पर वो थोड़ा कुछ लगा लेता हूं हां पहले ही मलम बाम बाम लगा के चल ताकि हाथ मारे दोनों के हाथ में कुछ हुआ है चल कौन आया अरे वालेकुम अस्सलाम ए भाई जीशान रुइना आई है बैठे भाई जीशान रुइना आई है कुछ नहीं सलाम आओ मां आओ चलो अंदर आपको दूध पिलाओ पानी आनी दे हाँ भाई अबे पाए के खुशबू आ रही है रे हाँ मैंने पाया बनाई है ना सॉरी मैं क्या करूँ बे तू बात करनी थी रुइना पानी दू आज अच्छा ना नहीं चलेगा वेट क्या हुआ वो सही नहीं चल रहा है सब क्या सही नहीं चल रहा क्या हुआ क्या कुछ भी सही नहीं चल रहा है भाई बस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सब क्या क्या चीज रिलेशनशिप बहुत अभी से अभी हो रहा है सब कॉम्प्लिकेटेड अब क्या हो गया झगड़े हो रहे हैं फिर किसके भी सही नहीं हो रहा है मेरा और जाहिद का तो झगड़े तो होते ही रहते हैं उसमें क्या बड़ी बात है वो थोड़ा नॉर्मल रहता ही हो थोड़ा नहीं बहुत भाई वैसा और शादी बात बात पक्की होती ना तो शादी शैतान वो भड़काता है वो तो झगड़े होनी ही है नॉर्मल झगड़े होते तो समझ में आता है भाई चिल्ला रहे गुस्सा कर रहे समझ में आता है तो बात थोड़ा कम कर दो ना शादी के टाइम फिर अच्छा रहेगा मारते हैं भाई वो मारते हैं बहुत किधर मतलब है किधर वो ऊपर है अभी भी मैं मान अभी भी झगड़े में हाथ वाथ हो जाता है तो अभी बहुत हो गया अभी नहीं हो रहा है हाथ वाथ क्या तुम लोग तुमको ये सब चीज पहले बोलना चाहिए था ना हाथ तो हाथ उठा ले तो ये सब थोड़ी ना चल क्या फालतू हरकत है यार तुम मुझे लगा धीरे धीरे वक्त के साथ सब सही हो जाएगा हाथ उठ गया तो वहाँ इज्जत ही खत्म इज्जत नहीं तो रिलेशन में रह के मतलब ही नहीं उठा रहा है बिलाल को 2000 years later हेलो हाँ किधर है हाँ जाहिद को लेके नीचे जल्दी आ आप भी आ बात की है नॉर्मल बट बोली बहुत बार के नहीं करो ऐसे हाथ नहीं अभी हो गया हाथ भी नहीं चलाना चाहिए था उसको तो बोलते अभी मैं सीधा छोड़ दूंगा नहीं तो किसी से शेयर नहीं करना किसी को बताना नहीं है अपनी इज्जत पहले रहती किसी है को बोलना ये सब चीज में नहीं कैसे फैमिली का है ना भाई अभी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है तो कैसे अच्छा नहीं लगता अभी ये सब और कोई है भी नहीं जिससे मतलब ऐसे मैं शेयर कर पाऊँ जैसे आंटी अंकल भी नहीं है मैं नहीं चाहती कि ये सब उनकी इज्जत खराब हो या कुछ तो इसके लिए आप लोग से मैंने सोचा आज बता देती हूँ अभी भी झगड़ा होके आया तो
क्या हो गया रीना यहाँ पे इधर क्या हो गया तेरे ज्यादा हाथ चल रहे क्या हो गया ज्यादा हाथ चल रहे तेरे क्या हो गया तू छोड़ मैं क्या किया मेरे को क्यों मार रहे इधर आ दादा हाथ चल रहे तेरे मैं क्या किया अभी अपनी बहन को कोई मारेगा तब कैसा लगेगा तेरे को मैं किसको मारा भाई रहने दे भाई इधर बैठ सॉरी बोल किसको किसको क्यों क्या किया तूने मैंने क्या किया कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया तूने मैं कुछ नहीं किया नहीं किया हाथ क्यों उठाते हाथ क्यों उठाते लड़की हाथ उठाए नहीं उठाया क्या रो रही है वो आपको समझ में नहीं आता तेरे को हाथ उठाया नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ जो तुमको हाथ उठाने की जरूरत पड़ी रहने का तो नहीं रहे हाथ क्यों उठा रहे शान भाई मत मार यार कान वान पे क्यों मार रहे भाई मारो मत ज्यादा समझ में आती है देखो बात उसे समझा दो नहीं कुछ सुनते जब वो हाथ हाथ उठाएगा आया तो हाथ उठा हाँ बोलेगा आप ही बोल के दिखा रहे बहन के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तब तेको अच्छा लगेगा तब तेको खुशी होगी हाँ जब मैं हाथ उठाए नहीं तो अभी अभी हाँ बोला शान भाई चुप बैठ आपको क्या जरूरत थी सब बोलने की दे दूं अभी चुप हो जा एकदम समझा आंख वक मत दिखाई जाए जाहिद थोड़ा ना हद में रहे हाँ ये फालतू गिरी ना हम लोग के सामने मत करना और ये आज पता चला है ये आज पता चला अगली बार दोबारा आगे बोलना नहीं चाहिए कुछ नहीं होगा नहीं रहेंगे नहीं तो कहां से हो ज्यादा मत बोल ये क्या टाइम पास कर रहे है क्या तू हाँ किसी की जिंदगी खराब कर रहे हैं ज्यादा बोल रहे तू हाँ मेरे को नहीं रहने इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो अभी तेरे हाथ से मार खाने के बाद भी वो सोच रही है कि सॉल्व हो जाए तू क्या है बे तू ज्यादा तू हीरो हीरो है क्या हाँ भाई जबान चलाए निशान भाई मत कर बे इतना मत मार बे मत करो जबान चलाए जबान नहीं चला था हम दोनों बोल रहे तू मारेगा तो हम दोनों करेंगे मारेगा तो हम दोनों में बात होगी वो बोलेगी नहीं क्या आके भड़का रही अभी बदले में तेरे को मार देगी कैसा लगेगा तेरे को भड़का रही है ना वो मारेगी तेरे को कैसा लगेगा लगेगा मेरे को मार बस बस जाहिद गलत किया है तूने यहाँ पर किया तो अरे तू इसमें हम लोग सब लोग से मुंह चलाने की क्या जरूरत है तेको पता है जब गलत किया है तो फिर क्यों बोल रहा है ये सब और मार ए तू ज्यादा बोल मत ज्यादा बोल मत समझा थोड़ा ना तमीज से रहे अचानक क्या हो रहा है तू पागल पागल भूत शांत रहे जरा ठंडे दिमाग से पहले बात कर ले मारे जा रहे हो बार बार ये मार रहे हम लोग तेको ये मारना हुआ है ना अभी तो मार खाया भी नहीं है तू जो भी बात है मेरे को भी रोहिना कॉल करके बोलते है कि मेरे को देखो जाहिद तो ध्यान से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं मेरे को पहले बताने नहीं हुआ ये तो आगे बढ़ने का वेट कर रहा था नहीं मैं उसको वो परछाई दे रहा था अपनी मैं कैसे बोलता भाई मैं छोटा हूँ ना इन लोगों के होता है डिसरिस्पेक्ट होता है पहले उसके बाद फिर झगड़े होते हैं फिर उसके बाद फिर हाथ उठाई होती है मैं सिर्फ जाहिद पे होना चाहिए क्या कह सकता था जब पहले स्टेज पे आए ना तो उसी टाइम भी खत्म हो जाना चाहिए सब इतना बड़ा चीज नहीं होना चाहिए मगर मच के आंसू मस्ती कर प्रेंगे 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 जोर जोर से मैं मारता हूँ क्या भाई मैं हाथ रख के कसम खा जो मैं नहीं थी इन लोग ने मुझे बोले करने के लिए मुझे नहीं पता था ये सब इन लोगों ने बोला कि कैसा लगता है पता चला कैसा लगता है यहाँ पर पता चला कि कैसा लगता है बहुत भी भाई जोर से बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना सपोर्ट किए थैंक यू और दो चार मार देते वो अब लड़की मार खाएगी तो कोई भी कुछ भी बोलेगा ही कैसे ये बात तो है मेरे को अपनी लिमिट पता है ब्रो कि तुम लोग को यकीन कैसे हो गया कि मैं मार सकता हूँ ये तो पागल है पता है ठीक है भाई मैं चलता हूँ
तो गाइस जाहिद को बहुत मार पड़ी, बहुत मार पड़ी, मजा आ गई, मजा आई ना? नहीं, और खाता था अभी मगरमच्छ के आंसू बोलते हैं, खाता था अभी, सर घूम गया, इतनी जोर से मारा भाई। तो चलो गाइस अभी तुम लोग दोनों को मैं करना पड़ेगा, छोड़ दे हो जा तू भी फालतू, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन, अब मारना नहीं कभी।